हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंदर ए। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरबीआई ग्रेड बी के बारे में। जैसे कि आपको पता है, इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 2023 का। मैंने सुबह ही वीडियो अपलोड कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों आपको इसके लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्यों आपको अपना समय इस पे वेस्ट नहीं करना चाहिए और क्यों इसको अप्लाई भी करना चाहिए। तो ये तीनों चीजों के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं सारे वीडियोस की लिंक शेयर करता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये वीडियो मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा इसको आप देख सकते हैं, आपको सारे डेट्स पता चल जाएगी। ठीक है, सो अभी आप देखोगे यूट्यूब पे आपको आरबीआई ग्रेड बी की सारी स्ट्रेटेजीज, सारी सैलरीज की वीडियोस देखने को मिलेंगी, सैलरी स्लिप्स की। तो आप भी उसको देखोगे और मोटिवेशन लोगे कि हाँ इसकी सैलरी इतना होता है, ये होता है, वो होता है, और देन आपको जो है वो एक रॉन्ग मोटिवेशन होता है। सैलरी देख के कभी प्रिपरेशन नहीं की जाती दोस्तों। सैलरी देख के आप जो है सैलरी देखोगे और इस जाल में फंस जाओगे, फिर अप्लाई कर दोगे एंड अपना टाइम एंड मनी दोनों के दोनों चीजें यहाँ पे वेस्ट कर दोगे। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्जाम होता है वो एक मेंस लेवल का होता है। ठीक है, मेंस मॉडरेट लेवल का मैं बोल सकता हूँ कि ये इसका पेपर होता है प्रीलिम का। तो प्रीलिम का अगर इसका मॉडरेट लेवल का पेपर होता है, अगर आपने मेंस दिया है ना, तभी आपका इसका आरबीआई ग्रेड भी जो है प्री क्लियर हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका नहीं होगा, अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली होगा। बट जो इसका मेंस होता है ना, वो सारा का सारा डिस्क्रिप्टिव होता है। आपको सारे जो है टॉपिक्स पूरा रीड करना होगा, अच्छे से याद करना होगा, याद करने के बाद कंप्यूटर पे लिखना भी होगा आपको। तो इसमें जो है आपका इंग्लिश भी अच्छा होना चाहिए, तभी जाके आप जो है अच्छा खासा डिस्क्रिप्टिव भी लिख सकते हैं और तब आप बोल सकते हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। बट दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आप जो है फाइनेंशियली वीक हो, ठीक है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते इसके एप्लीकेशन फी, तो डेफिनेटली अप्लाई मत करना। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो, अभी अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो, या आपका प्रीलिम ही क्लियर नहीं होता, या कुछ कुछ प्रीलिम क्लियर होते हैं मेंस नहीं हो पाता है, तो इसके लिए जो है अप्लाई मत करिएगा आप। ठीक है, अगर आपका एम आईबीपीएस एसबीआईपीओ ये सब चीजें हैं, वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसके लिए अलग से आपको प्रिपरेशन लगेगी और अलग से आपको जो है टाइम देना पड़ेगा। ओके, 30 जुलाई आई थिंक इसका मेंस का एग्जाम है और 9 जुलाई इसका प्रीलिम का है, मतलब 9 जुलाई और 30 जुलाई। तो आप देख सकते हैं एक महीने से भी कम का समय आपको मेंस के लिए मिलेगा, और अभी जो है मई महीना स्टार्ट होने ही वाला है, तो आपके पास ओनली जो है हार्डली 2 महीने का अप्रोक्स जो है समय बचा हुआ है। तो 2 महीने में आपको पूरा का पूरा इसका सिलेबस स्टडी करना है, वो सारे जो है याद भी करना है एंड आपको प्रैक्टिस भी करना है कंप्यूटर पे, टाइपिंग भी। तो इसमें आपका टाइपिंग स्पीड भी होना, सारी चीजें होना, आपका स्टडी भी होना और आपका जो है प्रैक्टिस भी होना, तभी जाके आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज जो है पॉसिबल नहीं है, काफी डिफिकल्ट एग्जाम होता है इसका, प्रीलिम का ही काफी डिफिकल्ट एग्जाम होता है। तो अगर आपका जो है एम है आईबीपीएस पीओ इस साल का जो भी है, ठीक है, आईबीपीएस के जितने भी एग्जाम है, तो इसको अप्लाई मत करिए, क्योंकि इसके लिए अलग से आपको टाइम लगेगा और सारा का सारा टाइम जो है आपको इसको देना पड़ेगा, जिस कारण जो भी आपका एम था आईबीपीएस पीओ जो भी था उसके लिए आप समय नहीं दे पाओगे, उसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, और उस टाइम में अगर आप इसके प्री में डिस्क्वालिफाइड हो गए तो आपको अलग से डीमोटिवेशन आ जाएगा कि हाँ प्रीलिम ही नहीं निकल पा रहा है और इसके क्वेश्चन ही नहीं बन पा रहे, तो मैं मेंस में कैसे करूंगा आईबीपीएस पीओ आरआरबी पीओ मेंस में मैं कैसे करूंगा इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि इसका प्रीवियस ईयर मैंने पेपर दिया हुआ था, तो मुझे आइडिया है कि इसका पेपर कैसे आता है। ठीक है, आपको प्री में ही जो है काफी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ भी अच्छा खासा जाता है इसका और पेपर भी अच्छे लेवल का आता है। अगर इसका मेंस का पैटर्न जो है ऑब्जेक्टिव होता, डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, तो बहुत अच्छा होता, अप्लाई करने के लिए एक सुटेबल होता, बट यहाँ पे जो है आपको याद करना है, टाइपिंग करना है, डिस्क्रिप्टिव है पूरा, तो काफी लोगों के लिए वो डिफिकल्ट होता है। इंग्लिश भी आपकी अच्छी होना चाहिए, साथ ही साथ आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होना चाहिए। इसी कारण जो है मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसके लिए अप्लाई करो, बट अगर आप जो है ट्रायल के लिए एग्जाम देना चाहते हैं किस तरीके का पेपर होता है, डेफिनेटली अप्लाई करना। एप्लीकेशन फी की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अप्लाई करना, अदरवाइज टाइम और अपना मनी इसमें वेस्ट मत करना। सैलरी को देख के इन्फ्लुएंस मत हो जाना कि हाँ इतनी सैलरी है, ये है, वो है दुनिया भर का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको सब जो है फेक मोटिवेशन देंगे और आपका टाइम वेस्ट जरूर से करेंगे। तो अपना दिमाग लगाइए, सही डायरेक्शन में आप अपना काम करिएगा, जो आपको सही लगता है उस हिसाब से उस फॉर्म की या उस एग्जाम की तैयारी आप करिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपका प्री क्वालिफाई हो गया तो इसका जो मेंस होता है इसके लिए आपको अलग से स्टडी करना होगा, और उसका मटेरियल जो है यूट्यूब पे या इंटरनेट पे इजिली अवेलेबल नहीं है, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, एक एक चीजें आपको ढूंढना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, उसमें आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होने वाला है। ये सारी चीजों को सोच के ही आपको अप्लाई करना है, अदरवाइज किसी के बोलने से अप्लाई नहीं करना है। सो यही आपको अपडेट देना था, आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करना, आप दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए ध्यान रखना, गुड बाय।